तो दोस्तों लीगल नोटिस आ रहा है, लोक अदालत से आ रहा है, रिकॉल नोटिस आ रहा है, प्री लिटिगेशन नोटिस आ रहा है और आप परेशान हैं कि मैं अपने नोटिस का जवाब कैसे दूं, उसमें क्या चीजें मैं लिखूं ताकि बैंक मेरे प्रॉब्लम को होल्ड करते हुए मुझे नोटिस ना भेजे। ऐसा होता है ना कि आप लोगों को नोटिस आता और आप लोग सवाल करते हैं कि सर मुझे नोटिस का जवाब देने नहीं आता है, मैं क्या लिखूं, मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों बिना किसी लॉयर या वकील को करे हुए अगर आपको नोटिस लिखना है तो उसमें उस फॉर्मेट में आपको क्या चीजें लिखना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका किसी प्रकार का भी नोटिस हो, चाहे रिकॉल नोटिस हो, चाहे डिमांड नोटिस हो, चाहे वो आपका किसी प्रकार का भी नोटिस हो, आप उसका जवाब अपने हिसाब से दे सके और बैंक आपके उस नोटिस का जवाब लेते ही आपको हो सकता है नोटिस भेजना छोड़ दे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनके नोटिस का जवाब हमने बना के दिया है और उनको फिर डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस सारी आनी बंद हो गई। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, नोटिस का जवाब कैसे देना है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। चैनल में सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और आज की टॉपिक दोस्तों आप लोगों के लिए रखिए कि नोटिस अगर आया है चाहे लोन के रिकॉल का चाहे किसी डिमांड का तो आपको उसका जवाब कैसे देना है। पिछले दिनों हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा था सर प्री लिटिगेशन का नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है, लोक अदालत के नोटिस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग बैंक से ठीक से कन्वर्सेशन मेल पे करते हैं तो आपका लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल जो होता है वो बहुत कम में सेटलमेंट करा सकते हैं अगर आप जेन्युइन एविडेंस लगा के बैंकों से बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास आ गया है एक डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस और आपको नोटिस पे नोटिस आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, बड़े ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा जो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों लिखना ऐसे है कि जैसे आपको अगर कोई नोटिस मिला है पिछले महीने से तो आपको ये लिखना है, बैंक को लिखते हुए उसके मैनेजर को या उनके नोडल ऑफिसर्स को कि पिछले एक महीने से मुझे आपकी तरफ से दो से ज्यादा लीगल डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस का नोटिस मिल चुका है। हाल ही में मुझे फिर एक और नोटिस मिला है जो पिछले नोटिस की ही तरह है, जिससे मैं काफी तनाव में हूँ, परेशानी में हूँ। मेरी मेडिकल और फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, काफी सारे लोकल लेंडर्स का भी कर्ज बढ़ चुका है, यहाँ तक कि मैंने अपने काफी दोस्तों से भी पैसे उधार ले रखे हैं जिन्हें देने के लिए मैं अब कैपेबल नहीं हूँ। मेरी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, रोटी कपड़ा और मकान की भी मुझे अब दिक्कत होने लगी है। मुझे पता है कि मैंने आपका लोन का पेमेंट टाइम पर नहीं किया है या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग 12 से 13 महीने मेरी तबीयत काफी खराब रही, मेरे पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, बीमारी की वजह से मैं बेड रेस्ट के लिए गया जिससे मेरी जॉब छूट गई, मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है और मैं चाहकर भी अपने पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। लंबी बीमारी की वजह से मैं रेगुलर जॉब नहीं कर पा रहा हूँ तो पैसे है ही नहीं मेरे पास। जैसे ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगी मैं आपका पेमेंट भी कर दूंगा और आपका जो भी डिमांड होगा उसको मैं पूरा कर दूंगा। दोस्तों ये तो आपको उस तरीका बता रहा है कि अगर आप बीमार है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब ना हो, आपकी जॉब छूट गई हो, तो यहाँ पे कहानी बनानी है कि मेरी जॉब छूट गई थी जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, जॉब मुझे मिल नहीं रहा है। अगर आपके साथ कोई अदर दुर्घटना घटी है, किसी ने फ्रॉड कर लिया है, तो फ्रॉड वाली कहानी को मतलब अपने हिसाब से बना के आपको लिखना है और आपको अंत जो करना है उसमें ऐसे करना है कि मेरा आपसे निवेदन है कृपया करके आप मेरे ऊपर लीगल नोटिस को कुछ महीने के लिए होल्ड कर दें, फिलहाल मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं अपने कर्ज का भुगतान कर सकूं, मुझे आपसे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं आपको जो भी कर्जा मेरा है उसको भुगतान करके अपनी जिंदगी में कर्ज रूपी जाल से बाहर निकल जाऊं, मेरी आर्थिक तंगी को ध्यान में रखकर कोई ना कोई समाधान अगर हो तो कृपया करके आप मुझे बताइए, लीगल नोटिस ना भेजे बड़ी मेहरबानी होगी। आप ऐसे पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट बैंक को करेंगे तो 100% बैंक आपकी बातों को सुनेगा और वो उस पर एक्शन भी लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा जो मुझे मेल लिख रहा है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में शामिल हो गया है, जब तक इसके अच्छे मुझे वो पैसे दे ही रहा था। तो दोस्तों इंसान का ही रूप बैंक में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इंसान ही होते हैं, अगर आप लिखेंगे अच्छा तो पढ़ेंगे वो अच्छा, पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे और समझेंगे तो आपको नोटिस का जवाब भी मिल जाएगा और आप लोगों को सेटलमेंट करने के लिए बैंक वाले ऑफर भी कर देंगे। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस आता है तो आपको इसी प्रकार से अपनी कंडीशन को लिखते हुए रखते हुए अपनी कहानी को मेल के माध्यम से लिखना है। कोई यार दोस्त अगर कर्जे के जाल में फंस गया है तो आप हमारे माध्यम से उनको
बता सकते हैं कि कैसे कच के जाल में वो निकल सकते हैं अगर आपने हमारी सर्विस ले रखी है। नहीं ले रखी तो दोस्तों डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर का ख्याल रखिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिए, और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। See you।